40 वाली है और ये वाली ये 260 रुपये ये वाली 260 रुपये के जी, मतलब ये सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली। भैया ये मिर्ची का क्या प्राइस है? मिर्ची का भैया 260 रुपये है। ठीक, गोलो का प्राइस बता करते हैं भैया से। भैया जी गोलो का क्या प्राइस रहेगा? ये 150 रुपये। 150 रुपये, ये 120 रुपये, और ये वाले 180 रुपये। 180, 150 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये। जीरा, जीरा है, जीरा। ये भैया किस प्राइस में होती है? 70 रुपये पैरा भी मिल जाएंगे भाई, देख लो ये सारी दालों की वैरायटी है। आप दाल मिल जाएंगी आपको। ये देखो भाई इस टाइप के पैकेट है मखाने के। ये कितने के जी का है? 100 रुपये के जी में आपको हल्दी मिल जाएगी। और ये भैया ये क्या है? धनिया 120 रुपये, 120 लोगे जी, 800-900 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 600 ये दिखा रहे हैं भैया जी। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है ये वाली, सबसे बेस्ट क्वालिटी हो बिल्कुल। ठीक है, और भैया जी ये क्या नाम है, ये कितने ग्राम का होगा? ये 250 ग्राम का मुनक्के का पैकेट है भाई जी, में आपको दालचीनी मिल जाएगी। और भैया हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया हूँ पीली कोठी सदर बाजार। मेरे पीछे देख सकते हो ये पीली कोठी ड्राई फ्रूट मार्केट। तो अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या प्राइसिंग है, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अंदर चलते हैं भाई और देखते हैं यहाँ की वैरायटी। आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, एक शॉप पे आए हैं हम। यहाँ देख लो भाई, आपको गरम मसाले मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, आपको सारी वैरायटी आपको इनकी शॉप पे मिलने वाली है भाई। भैया से बात करेंगे और भैया से प्राइस पता करने की कोशिश करेंगे भैया की क्या क्या प्राइसिंग इनकी रहने वाली है। और भैया जी कैसे हो? भैया जी आपके ड्राई फ्रूट की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? जैसे किशमिश है, इसकी प्राइस की क्या होगा? इसका प्राइस किशमिश ये आपको तो 220 रुपए की किलो मिलेगी आपको। 220, अगर 250 ग्राम लोगे तो 250 ग्राम 70-80 रुपए का पड़ेगा, किलो पे डिस्काउंट मिलता है भैया। ठीक है, मतलब किलो में सस्ता पड़ेगा। जी जी, ये 220 रुपए के जी में। और ये वाली जो है भैया जी 240 रुपए की, ये 240 वाली है। और ये वाली 260 रुपए की, ये वाली 260 रुपए के जी, मतलब ये सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली होगी है ना। ये देख लो भाई इस टाइप की किशमिश रहने वाली है। ये 260 रुपए के जी के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली है। बाकी इनके पास तीन क्वालिटी मिल जाएंगी, ये 240 है, ये वाली 260 है, और ये वाली 280 है। तो भैया अगर जैसे कोई क्वांटिटी ज़्यादा लेता है आपसे तो उसमें कुछ और कम कर दोगे प्राइस? क्वांटिटी ज़्यादा लेगा तो भैया उस हिसाब से हम रेट में कम कर देंगे। बाकी आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लोगे तो भैया बोल रहे हैं थोड़ा बहुत उसमें भी गुंजाइश कर दी जाएगी भाई। ठीक है, तो और भी वैरायटी है इनके पास, और देखेंगे भैया के पास। गरम मसाले की वैरायटी भी है भैया के पास, ये देखो ये आपको। भैया ये मिर्ची का क्या प्राइस है? ये मिर्ची का भैया 260 रुपये है। ठीक है, ये वाली 240 रुपये, ये वाला 260 है, और एक ये वैरायटी है, ये वाली 240, ये वाली 240 वाली है, और ये वाली 260 वाली है भाई। ठीक है, यहाँ पे गरम मसाले की वैरायटी भी आपको सारी मिल जाएगी। ये अंजीर है ना भैया, यहाँ पे अंजीर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी भैया। अंजीर का क्या प्राइस होता है? 600 रुपये के जी में आपको अंजीर मिल जाएगी भाई। ये देख लो, ये भैया के कस्टमर हैं, ये भैया के अंजीर देखने आए हैं, अंजीर देख रहे हैं, अंजीर लेंगे भैया जी। बाकी इनके पास ड्राई फ्रूट की वैरायटी, में जैसा कि बता रहा हूँ सारी वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये देख लो भाई सारी वैरायटी है। ये देखो यहाँ पे छुआरों की भी वैरायटी काफ़ी लगी हुई है। छुआरों के भी प्राइस बता करेंगे, गोलो का प्राइस बता करते हैं भैया से। भैया जी गोलो का क्या प्राइस रहेगा? गोलो 200 रुपये के जी में आपको यहाँ पे गोले भी अवेलेबल हो जाएंगे। और भैया जो छुआरे हैं, छुआरे भैया ये वाले हैं 150 रुपए, वो वाले 120 रुपए। ठीक है, 180 रुपए, ये वाला कितने का बताए? ये 150 रुपए, 150 रुपए, ये 120 रुपए, और ये वाले 180 रुपए, 180, 150 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए, 120 रुपए, 120 रुपए, 180 रुपए। मतलब इतनी सारी वैरायटी आपको ओनली छुआरों की मिल जाएगी इनके पास। देख सकते हो भाई, आपका जैसा बजट होगा आप ले सकते हो। बाकी ये वाले 300 रुपए के जी में है ना भैया जी? ये गुल्ला छुआरा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी वाले छुआरे हैं। सामान चाहिए, सब चीज़ का मिल जाएगा, भरी पूरी जच्चा बच्चा सब मिलेगा। ठीक है, बाकी ये गरम मसाले देखते हैं भैया के। भैया जीरा का सौंफ, जीरा है, जीरा ये भैया किस प्राइस में होती है? 70 रुपए पाव पड़ेगा, 250 रुपए, 250 रुपए के जी, 250 रुपए के जी में आपको जीरा मिल जाएगा। ठीक है, और भैया मखाने का क्या प्राइस रहेगा? मखाने भी आपको पड़ेगा 450 रुपए किलो, 450 रुपए के जी में आपको मखाने मिल जाएंगे। बाकी इनके पास इस टाइप के पैकेट भी बने रखे हैं, ये देखो भाई इस टाइप के पैकेट है मखाने के। ये कितने के जी का है? ये भैया 250 ग्राम का है, 120 रुपए का पैकेट पड़ता है, ये 120 रुपए का पैकेट है, 250 ग्राम का है भाई। अगर आप पैकेट वाला लेना चाहते हैं तो पैकेट भी इनके पास अवेलेबल है। आगे लूज लोगे जी भैया, अगर किलो कोई लेगा चार पैकेट 400 का पड़ेगा, मतलब चार पैकेट लोगे तो आप 400 रुपये का पड़ेगा है ना।
चार पैकेट लेंगे तो 400 रुपये का पड़ेगा, वैसे इसमें 250 ग्राम है, ठीक है भाई। मखाने अगर लूज लेना चाहते हो तो लूज भी इनके पास अवेलेबल है, ठीक है भाई। और भैया ये मिलेगा भैया आपको 550 रुपये, ये 550 रुपये के जी में मिल जाएंगे, ये बढ़िया क्वालिटी वाला होने वाला है, ठीक है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट है। और बाकी इनके पास हल्दी है, हल्दी का क्या प्राइस रहेगा भैया जी? भैया 100 रुपये, 100 रुपये के जी में आपको हल्दी मिल जाएगी। और ये भैया ये क्या है, धनिया 120 रुपये के जी में आपको धनिया भी मिल जाएगा। अच्छा भैया एक बात बताइए, जैसे कि कोई नॉर्मल मार्केट होती है घरों के पास, वहाँ पे किस प्राइस में मिलता होगा ये धनिया भैया? वहाँ पे 160, मतलब यहाँ से ज़्यादा महंगा ही मिलेगा, क्योंकि यहीं से लेके जाते हैं। ठीक है, देख लो, मतलब कि ये लगा लो तुम, ये होलसेल रेट है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको इजीली यहाँ पे बहुत चीपेस्ट रेट में आपको ड्राई फ्रूट, गरम मसाले, सारी वैरायटी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। भैया से बादाम के देखते हैं, बादाम की वैरायटी देखेंगे भैया की। ये देखो भाई इस टाइप के ये बादाम है, बाहर लोगे पड़ेगा 800-900 रुपए किलो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 600 रुपए किलो ये लो भाई, बाहर से लोगे तो 800-900 रुपए के जी में मिलेगा और यहाँ पे ओनली आपको 600 रुपए के जी में मिल जाएगा। अगर आप इनसे क्वांटिटी ज्यादा भी लोगे ना तो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी ना भैया, अमेज़न पे सर्च मार सकते हो, 900 रुपए का पैकेट देता है। बिल्कुल हाँ, 900 रुपए का मिलता है अमेज़न फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो ड्राई फ्रूट मिलते हैं ना भाई, यहाँ पे आपको ओनली 600 रुपए की प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। भैया काजू दिखाइए, काजू देखेंगे भैया के, काजू की वैरायटी भी इनके पास काफ़ी में है। देखो ये है 600 रुपये, ये 600, 650, 680 जी, ये दिखा रहे हैं भैया जी, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है जी वाली, सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी 750, 750, 320 नंबर काजू है, 750 रुपये के जी में आपको ये वाले काजू यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। और भैया ये नॉर्मल मार्केट में लेने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? कम से कम 850-900 तक का पड़ेगा। ये लो भाई 800-900 रुपये के जी में मिलेगा आपको आपकी नॉर्मल मार्केट में, अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये ओनली आपको 750 रुपये के जी में अवेलेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। ये लो मुनक्के का पैकेट है, 150 रुपये का पैकेट है, ठीक है। अगर कोई किलो लेता है तो जी 400 का पड़ता है, 400 रुपये बिल्कुल, ठीक है। और भैया जी ये क्या नाम है, ये कितने ग्राम का होगा? 250 ग्राम, ये 250 ग्राम का मुनक्के का पैकेट है भाई। ये कितने का है? ये 125-150 रुपये का 250 ग्राम है, अगर किलो लेते तो 400 रुपये का पड़ेगा। मतलब किलो में लोगे तो 400 रुपये में मिल जाएगा भाई मुनक्के, ठीक है भाई। मुनक्के देख सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला मुनक्का होने वाला है जी। बोलो बोलो, कहीं बाहर दुकान में लेते हो जी जी, तो ये पड़ेगा आपको 180-200 रुपये का पैकेट। ये लो भाई 180-200 रुपये का पैकेट आपको नॉर्मल मार्केटों में मिलता है। और यहाँ पे मैं जैसे कि मैं आपको लेके आता रहता हूँ बार बार इस मार्केट में, यहाँ पे आपको बहुत ही चीपेस्ट रेट में आपको ड्राई फ्रूट, गर्म मसाले मिल जाते हैं भाई। और भी गर्म मसालों की वैरायटी मैं दिखा देता हूँ आपको इनके पास, देखो भाई सारी वैरायटी है, दालचीनी है, लौंग है, क्या नाम है इसका, इलायची है, और ये काली मिर्च है, मतलब सारी वैरायटी आपको गरम मसालों की इनके पास अवेलेबल हो जाएगी। भैया ये जावित्री क्या प्राइस रहेगा? जावित्री भैया, जावित्री है आपको पड़ेगा 2800 रुपये, 2800 रुपये के जी। और भैया ये नॉर्मल मार्केट में कितने मिलती है? ये 3500-4000 तक। ये लो भाई इतनी महंगी मिलती है जावित्री, और यहाँ पे आपको ओनली 2800 रुपये के जी में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी भाई, ठीक है। इनके पास ये सारी वैरायटी गरम मसालों की भी है। और भैया जी ये लौंग का क्या प्राइस रहेगा आपकी? ये देख लो भाई इस टाइप की ये लौंग है, लौंग का क्या प्राइस है? लौंग का भैया, लौंग अगर आपको कोई किलो लेता है जी तो जी 900 रुपये के जी में लौंग मिल जाएगी। और दालचीनी, दालचीनी भैया, दालचीनी पड़ेगी 400 रुपये, 400 रुपये के जी में आपको दालचीनी मिल जाएगी। और भैया ये काली मिर्च, काली मिर्च ये हल्के वाली है, ये पड़ेगी 450 रुपये, 450 रुपये बढ़िया में लोगे, ये पड़ेगी 600 रुपये, मतलब दो क्वालिटी मिल जाएगी इसमें भी, ठीक है आपको है, वो बढ़िया है। ये वाली मिल जाएगी, और एक वहाँ पर रखी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और बाकी ये इलायची, इलायची भी 1600 रुपये, 1600 रुपये, और ये बड़ी इलायची, बड़ी इलायची 1200 रुपये, 1200 रुपये के जी में मिल जाएगी। बाकी इनके पास ड्राई फ्रूट सारे हैं भाई, मैंने अभी सारे नहीं दिखाए आपको, इनके पास अखरोट भी मिल जाएंगे, अखरोट की ग्रीवी भी मिल जाएगी, पिस्ता मिल जाएगा। भैया पिस्ता का क्या प्राइस रहेगा? पिस्ता भी हल्के वाला, ये पड़ेगा आपको 600 रुपये, 600 रुपये के जी वाला लोगे वो पड़ेगा 1200 रुपये, और थोड़ा बढ़िया लोगे वो पड़ेगा 1600 रुपये। मतलब क्वालिटी आपको सारी मिल जाएगी, आपका जैसा बजट होगा आप उस हिसाब से ले सकते हो भाई, ठीक है। ये वाले 600 रुपये के जी में ना, हाँ जी ये वाला 600 रुपये के जी में। बाकी इनके पास और भी वैरायटी मिल जाएगी पिस्ते की, ठीक है भाई। और ये भैया मगज भैया ये पड़ेगा आपको 300 रुपये के जी, 300 रुपये के जी में आपको मगज मिल जाएंगे भाई, ठीक है। ये सारी वैरायटी है इन भैया की, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ही और अच्छे से। ये वाली थी भाई वो काली मिर्च, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली है भाई, ये देख लो भाई। ये वाली कितने की बताई थी भैया जी? ये भैया 600 रुपये,
600 रुपये के जी में आपको ये वाली भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको इजीली सारे ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे, गरम मसाले मिल जाएंगे, जौन से भी आपको चीज़ चाहिए सारी इसी भैया के पास अवेलेबल हो जाएगी। भैया आपका कोई कार्ड वगैरह है? मैं भैया का एक कार्ड दिखा देता हूँ, आपको विजिट करना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो। ये लो, ये है देखो भैया का विजिटिंग कार्ड, नीचे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, भैया के सारे नंबर लिखे हुए हैं, आप भैया से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और भैया के पास आप आना चाहते हो तो नीचे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, आप इजीली इनके पास आ सकते हो। भाई ये सारी वैरायटी आपको इन भैया के पास अवेलेबल हो जाएगी। आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं ड्राई फ्रूट ले सकते हो, गरम मसाले लेने हैं गरम मसाले ले सकते हो। भाई सारी वैरायटी है, बाकी मैंने वीडियो में आपको सारी नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। ठीक है, ये सारी वैरायटी जितनी भी देख रहे हो आपको एक ही शॉप में यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक बार और मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ, ये कार्ड रहने वाला है भैया का। ठीक है भाई, आप इजीली इस मार्केट में भाई आ सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही चीपेस्ट रेट में यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट तो मिल ही जाते हैं, यहाँ पे आपको दाल वगैरह भी मिल जाएंगे। भाई देख लो ये सारी दालों की वैरायटी है, आप दाल मिल जाएंगी, आपको राजमा मिल जाएगा, छोले मिल जाएंगे, भाई सारी चीज़ें आपको इस शॉप पे अवेलेबल होने वाली है। भैया ये राजमे का क्या प्राइस रहेगा? 100 रुपये के जी में आपको ये वाले राजमा मिल जाएंगे भाई। ठीक है, और भैया ये नॉर्मल मार्केट में कितने का मिलता है? नॉर्मल मार्केट में, और तुम 100 रुपये का दे रहे हो यार, 160 है ये, स्वाई को पता नहीं है रेट। 160 रुपये का आपको नॉर्मल मार्केट में मिलेगा और यहाँ पर अगर आते हो तो ओनली 100 रुपये की रेंज में आपको ये राजमा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है भाई, और भैया ये छोले 100 रुपये के जी में आपको यहाँ पे छोले भी अवेलेबल हो जाएंगे भाई। इनके पास वैरायटी है देख लो भाई, और ये वाले किस प्राइस में भैया जी? ये वाले 80 रुपये के जी में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, ये और ये वाला राजमा कौन सा है भाई? ये कैप्सूल है। कैप्सूल है, ये किस प्राइस में? ये 100 रुपये, ये 100 रुपये की रेंज में यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी इनके पास दाल की वैरायटी भी है, दाल भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। भाई ये देख लो, ये सारी दाल की वैरायटी मिल जाएगी आपको। भाई ये मसूर की दाल 80 रुपये के जी में आपको ये वाली मसूर की दाल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और ये वाली मलका, ये वाली 90 रुपये के जी में मिल जाएगी। ठीक है, और ये वाली कौन सी दाल है भैया जी? ये काली मसूर की दाल है, ये किस प्राइस में है? ये भी 80 रुपये के जी में मिल जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे सारी आपको दाल मिल जाएंगी और काफ़ी चीपेस्ट रेट में मिलने वाली है भाई। ठीक है, ये देख लो भाई, यहाँ पे चने की दाल भी है, चने की दाल का क्या प्राइस है? 60 रुपये के जी में आपको चने की दाल भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और ये कौन सी दाल है भैया जी? अरहड़ की क्या प्राइस है? ये 70 रुपये, ये वाली आपको 70 रुपये के जी में यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है भाई। ठीक है, और ये वाली मिक्स दाल है भैया? 60 रुपये, ये वाली मिक्स दाल मिल जाएगी आपको 60 रुपये के जी की रेंज में। ठीक है भाई, और ये वाली कौन सी है भैया? ये वाली 80 रुपये अरहड़ की है, ये भी अरहड़ की भी यहाँ पे वैरायटी मिल जाएंगी आपको। ये वाली सोयाबीन 100 रुपये के जी में आपको यहाँ पे ये अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है भाई, ये सारी वैरायटी दालों की है और राजमे आपको छोले वगैरह सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये वाले भैया आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको ड्राई फ्रूट की शॉप दिखाई थी ना, ड्राई फ्रूट की शॉप के साथ में ही आपको यहाँ पे दाल की वैरायटी भी देखने को मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई और देखेंगे और क्या क्या वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है भाई। तो भाई ये थी ड्राई फ्रूट मार्केट की वीडियो, आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको इसी तरह ही किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।